दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल से ज्ञान ज्ञान एजुकेशन में। पिछले ढाई महीने से ऑनलाइन क्लासेज बच्चों के लिए चल रही है और मेरे द्वारा इंग्लिश और साइंस का अध्यापन किया जा रहा है। तो मैंने जो मेरे लेसन्स में आपको मैंने आर्टिकल्स माइनस टेंस पढ़ा दिए हैं और आज मॉडल्स में जो बच्चे कुछ मॉडल वहाँ पढ़ाए जाएंगे और इसके जो नोट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो ये देखते हो आज के शूट का मतलब होता है चाहिए। चाहिए किन किन बातों में प्रयोग होता है चाहिए का? पहला प्रयोग होता है कर्तव्य बद्धता में। कर्तव्य बद्धता में दूसरा प्रयोग होता है सलाह में। दूसरा प्रयोग होता है सलाह में। तीसरा होता है मॉरल ड्यूटी जो बोलते हैं मॉरल ड्यूटी। जैसे पहला सेंटेंस का मैं प्रयोग करूं, सबसे पहले वन शुड डू ऑल बेस्ट इन हिज ऑल वर्क। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब ये है वन शुड डू वंस बेस्ट इन ऑल वर्क। सबको अपने अपने कार्य में क्या करना चाहिए, अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहिए। तो ये क्या है, ये क्या है, मॉरल ड्यूटी है। मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी है कि प्रत्येक इंसान को इस धरती के हर इंसान को अपने कार्य में जो भी नया कार्य कर रहा है उसमें अच्छा बेस्ट देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कौन से मॉडल्स का प्रयोग होना चाहिए? तो इसमें मॉडल का प्रयोग होगा कौन से का, आपको शुड का। मॉडल्स का यूज कैसे होता है, मॉडल्स का यूज होता है सेंटेंस रिकॉर्डिंग। सेंटेंस का भाव क्या है, भाव के अनुसार कौन सा मॉडल सेट होगा इसका। दूसरा मॉडल्स का लिखा है वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि सबको अपने अपने माता पिता की क्या करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। आज्ञा मानना ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, कि सबको ऐसे संस्कार होने चाहिए, मिलने चाहिए, जिससे वह अपने माँ बाप की सेवा कर सके, उनकी आज्ञा मान सके। तो किसी भी वाक्य में मॉरल ड्यूटी का बोध हो जाए तो मॉरल ड्यूटी का मैंने बताया कि शुड का प्रयोग होगा इसका कर्तव्य बद्धता, अपना कर्तव्य बद्ध है शुड का प्रयोग। परीक्षा में यह आ जाए कि वन फिल द ब्लैंक शुड वुड मे और कैन, तो आपको ये देखना है वाक्य का भाव कौन सा है। तो वाक्य का भाव कौन सा है, वाक्य का भाव ये है कि आज्ञा देने का भाव प्रकट हो रहा है तो क्या आएगा, शुड आएगा। और तीसरा यू शुड बी प्रेजेंट देयर। अब इसमें क्या है, वाक्य का भाव क्या है, वाक्य का भाव यह है इसमें कि तुम्हें वहां पे उपस्थित होना चाहिए, तुम्हें वहां उपस्थित होना चाहिए। ये वैसे कोई नियम नहीं है, आपको सीधा ध्यान रखना है कि यू शुड बी प्रेजेंट देयर। इसमें ना तो मैं आएगा, ना तो मैं सेट होगा, ना माइंड सेट होगा, इसमें क्या सेट होगा, ओनली शुड सेट होगा, शुड होना चाहिए। तो आपको किसी कार्य के लिए वहां उपस्थित होना चाहिए, ये तो हो गया एक प्रकार का शुड का प्रयोग। अब शुड का प्रयोग दूसरी किन सेंटेंस में शुड का प्रयोग होता है, लेस के साथ हमेशा क्या होता है, शुड का प्रयोग होता है लेस के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग किया जाता है या होता है। ये जो क्लासेज है ऑनलाइन क्लासेज वेबसाइट है, मुख्यतः 6 से लेकर 12 तक की जो बच्चे उनके लिए चलाई गई है, लेकिन हम मॉडल्स आर्टिकल्स जो भी आर्टिकल मैंने स्टैंड से रखे हैं हमेशा कॉलेज में भी काम आते हैं, कंपटीशन
काम आता है। लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, लिस्ट लेस्ट को ऑलवेज को लेस्ट, यू शुड फेल। इसका भाव क्या है? देखो मॉडल्स का मतलब क्या होता है, मॉडल्स का मतलब मैंने कल वाले क्लास में बताया था आपको कि मॉडल्स का मतलब होता है मनोवृत्ति, मनोभाव, मनोवृत्ति या मनोभाव, मन की भावना, मन की अवस्था बोल लो। इंग्लिश में आप इनको बोल सकते हो क्या? एटीट्यूड, एटीट्यूड। कि भावना सेंटेंस में कौन सी भावना सही सेट हो रही है, तो कौन सी चीज सही सेट हो रही है, इनके कुछ नियम है और नियम के अलावा भी अपना खुद का जो मन का मन की सोच है वो इनमें क्या होती है सेट होती है। क्या आता अपना मन कितना अच्छा सोचता है, मन कितना तेज चलता है। यू वर्क हार्ड, बेस्ट यू शुड फेल, तुम्हें मेहनत करो, तुम्हें मेहनत करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो फेल क्यों होगा, इनमें असफल असफल हो जाओगे। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि हमेशा लिस्ट अगर आ जाए मॉडल्स में तो लिस्ट के आगे वाले जो ब्लैंक थर्ड स्थान में क्या आएगा, हमेशा शुड आएगा। तुम मेहनत नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। पीपल हैव इन ग्लास हाउसेज लिव ड्राइव, पीपल लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। इस लाइन का भाव क्या है? इस लाइन का भाव यह है कि चाहिए का मतलब होना चाहिए, चाहिए सेट होना चाहिए। मतलब लोग जो लोग कांच के घरों में रहते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि जो लोग कांच के घरों में खुद रहते हैं वो अगर पत्थर फेंके तो सामने वाले पत्थर फेंकेगा और कांच के घर क्या हो जाते हैं, जल्दी बिखर जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। तो पीपल लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, ये क्या आमतौर पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि पीपल लिव इन, जो लोग ग्लास में या कांच के हाउस में रहते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो आपने देख लिया शुगर लोग करते हुए सलाह देने में आता है, जैसे सलाह में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये सलाह के लिए अगर अपन सेंटेंस का यूज करें एग्जाम्पल दें तो सलाह के लिए देखिए आप, सलाह के लिए यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। इसका लाइन का अर्थ क्या होगा, तुम्हें चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। इसका कौन सा भाव आ गया, एडवाइस आ गई। इस शुड का प्रयोग इन किन बातों में होता है, तो इसमें क्या आ गया, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए तुम्हारी बीमारी के लिए। अगर आप सेंटेंस बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो कहने का मतलब यह हुआ कि किसी सलाह के लिए, चाहे चिकित्सक की सलाह हो, चाहे मानो बड़े बड़े इंसान की सलाह हो, किसी सेलिब्रिटी की सलाह हो, अपने से बड़े किसी सीनियर की सलाह हो, तो कंसल्ट का अगर भाव हो, परामर्श का अगर भाव हो, तो क्या आएगा, निजाम शुड का प्रयोग होगा। तो ये आपको हो गया आपका शुड का प्रयोग।